हाय, दिस इज़ गणेश। यू आर वॉचिंग स्टेट टॉक्स। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वृंदावन सेक्टर 11 में। एजिया बॉटैनिक का एक प्रोजेक्ट है जो कि डिलीवर्ड है फैमिली शिफ्टेड। इसको देखने के लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रीनरी स्विमिंग पूल। यहाँ पे ग्रीनरी का काफ़ी विशेष ध्यान रखा गया। 2.5 एकड़ अप्रॉक्स में ग्रीनरी डेवलप की गई, जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 BHK 4 BHK का ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। आवास विकास से अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है। एजिया बॉटैनिक का प्रोजेक्ट का नाम है। आइए मैं आपको एक्सटीरियर लेआउट दिखाता हूँ, देन हम चलते हैं सैंपल की तरफ। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आप सामने देख रहे हैं, ये आपका काफ़ी बड़ा किड्स प्ले एरिया है, जहाँ पे बच्चों के लिए जकोजी और स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलेगा। सामने ये कुछ टावर्स हैं जो डिलीवर्ड हैं। दोस्तों, ये टावर आप देख रहे हैं, डिलीवर्ड टावर्स हैं। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया बच्चों के लिए, ओपन जिम और एमिनिटीज़ आपका क्लब, कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कई तरह की एमिनिटीज़ आपके यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो आइए चलते हैं सैंपल को देखते हैं 3 BHK। आइए देखते हैं 3 BHK का सैंपल। यदि आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सैंपल है। दोस्तों, हर एक चीज़ का काफ़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं सोफ़ा, कर्टेंस और आपका ये मिरर, टेबल्स, काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर डेकोरेट की गई हैं, इंटीरियर की गई हैं। और हमको डिस्क्लेमर कर दो, ये देखिए दोस्तों, ये आपका वीडियो डोर फोन है। मैं आपको डिस्क्लेमर कर दूँ, जितना आप इंटीरियर वुडन का पार्ट देख रहे हैं वो सेल्स का पार्ट नहीं है। आपको फ्लैट अनफर्निश्ड और मिलेगा। अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आपको फ्लैट 3 BHK 4 BHK देखने को मिलते हैं राइट रूम में। दोस्तों, ऊपर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खूबसूरत झालर आप देख सकते हैं। वेंटिलेशन, लाइट्स एंड एयर के लिए काफ़ी वाइडर बालकनी यहाँ दी गई है, टफिंग ग्लास के साथ। UPVC स्लाइडिंग डोर है। दोस्तों, सामने कुछ इस तरह से आपको सेंट्रल ग्रीन पार्क देखने को मिलता है, जो कि अप्रॉक्स 2 से 2.5 एकड़ का है। मैं आपको फिर से रिवर्स में ड्राइंग की खूबसूरती को दिखा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओपन किचन। दोस्तों, यहाँ पे ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खूबसूरती से आपको देखने को मिलेगा ओपन किचन। और यहाँ पे डाइनिंग, ये आप देख सकते हैं आपका ये पहला रूम है, जिसे हम गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। कुछ इस तरह से इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अटैच वॉशरूम है वहां पर। दोस्तों, और ये आपकी बालकनी। देख सकते हैं आप किचन को, यहाँ किचन से आपको वॉशिंग मशीन पे यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा, वहां से भी सेटिंग से भी अटैच है बालकनी। आइए चलते हैं 2 बेडरूम की तरफ। ये आपका 2nd बेडरूम है, जिसमें आपको होल स्पेस देखने को मिलेगा वार्डरोब का।
अच्छा साइज है दोस्तों बालकनी का। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आगे किड्स प्ले एरिया आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं थर्ड रूम की तरफ। ये आपका थर्ड रूम है दोस्तों जो कि मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे वार्डरोब स्पेस आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरह से। मैं आपको रिवर्स कर दूं, मैं लेआउट समझाता हूं दोस्तों। यहां पे आप देख रहे हैं दो बेडरूम, ये दोनों बेडरूम की कॉमन आपकी बालकनी है जो कि खुलती है टुवर्ड्स मेरी पार्क की तरफ। यहाँ पे हमने देखा ओपन किचन और यहाँ पे डाइनिंग। ये आपका गेस्ट रूम। जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो ये है दोस्तों आपका ड्राइंग रूम।